तो गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में हुई सारी अपडेट्स के बारे में बात। अगर आप ये जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो गाइज मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म और इसमें काफी सारी छोटी छोटी चीजें हुई हैं और ये शो काफी ऐसा लग रहा था कि लंबा था। और WWE ने जो TLC की बिल्ड है उस पर कुछ ज्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन तब भी हमें मंडे नाइट रॉ में चीजें ऐसी देखने को मिली थी जो थोड़ी अच्छी थी और कुछ चीजें थी जो जिससे हमेशा की तरह हमें मतलब नहीं था। अब बात करते हैं सबसे पहले डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस की। तो डीन एम्ब्रोस आते हैं बाहर अपनी स्वॉट टीम के साथ और वो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी टीम होती है और सब बंदों ने पहना होता है गैस मास्क। और डीन एम्ब्रोस बाहर आके कहते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सेथ रॉलिंस अगेंस्ट हील टर्न कराया, अपनी सिचुएशन पूरी समझाते हैं। एक प्रोमो कट करते हैं सेथ रॉलिंस पर जो कि एक काफ़ी बढ़िया प्रोमो होता है और वो सेथ रॉलिंस की काफ़ी उल्टी सीधी बेइज्जती भी करते हैं इस पूरे प्रोमो में। और इस प्रोमो के इवेंचुअली एंड में हमें सेथ रॉलिंस बाहर आते हुए देखते हैं और एक ब्रॉल हो जाती है डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस के बीच में। और इसमें भी एक बार फिर से डीन एम्ब्रोस ने जो है अपर एंड हासिल करा है सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट और डीन एम्ब्रोस इनमें डर्टी डीड्स देकर वहां से चले जाते हैं सेथ रॉलिंस को। तो इस पूरी फ्यूड में जो हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से सेथ रॉलिंस ने कई सारी चीजें तो बोली हैं माइक में आकर, लेकिन जब बात आती है लड़ाई की तो डीन एम्ब्रोस अभी तक हैं जिन्होंने अपर हैंड रखा हुआ है सेथ रॉलिंस पे। और हमने एक बार भी ऐसा नहीं देखा है कि सेथ रॉलिंस आए हों और जो ब्रॉल उनकी एंड हुई हो वहां पर सेथ रॉलिंस ने अपर हैंड हासिल करा हो। अब मुझे लगता है यहाँ पर जो WWE प्लान कर रही है वो काफी सिंपल है कि इवेंचुअली जब मैच हमें देखने को मिलेगा TLC में तो मुझे नहीं लगता कि सेथ रॉलिंस अपना टाइटल ड्रॉप करने वाले हैं और डीन एम्ब्रोस ही उस मैच को हारेंगे, क्योंकि WWE इस फ्यूड को और ज्यादा लंबा खींचना चाहती है। और अगर डीन एम्ब्रोस टाइटल जीतेंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि वो TLC पे पर व्यू में होने वाला है। अब बात करते हैं बाकी चीजों की मंडे नाइट ड्रॉप है। तो राइट स्क्वाड और रोंडा राउजी के साथ होता है शो स्टार्ट, जहां पे नटालिया पे हो जाता है अटैक। नटालिया को टेबल के थ्रू फेंक देती हैं द रायट स्क्वाड और वहां से हमें एक मैच जो होने वाला था रोंडा राउजी और नटालिया अगेंस्ट तमीना और नाया जैक्स, वहां पे नटालिया इंजरी की वजह से उस मैच से हट जाती है। तो रोंडा राउजी गुस्से से एलेक्सा ब्लिस के पास जाती है और कहती है कि मैं एक अपना पार्टनर ढूंढने वाली हूं और वो जो पार्टनर होती है उनकी होती है एम्बर मून। और एम्बर मून और रोंडा राउजी की टीम जो है वो हरा देती है मेन इवेंट में तमीना और नाया जैक्स की टीम को। और इसमें हम देखते हैं कि नाया जैक्स जो है वो काफी डरी होती है रोंडा राउजी से और जैसे ही तमीना उनको टैग करती है तो वापस टैग कर देती है तमीना को और नहीं लड़ पाती है रोंडा राउजी से। तो अभी से ही डर रही है नाया जैक्स रोंडा राउजी से। तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि यहां पे हम टाइटल चेंज देखेंगे। मुझे लगता है कि TLC में जो है अपना टाइटल रिटेन ही करेंगी रोंडा राउजी। अब एक और अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली मंडे नाइट रॉ में थी वो है डॉल्फ ज़िगलर की सेगमेंट ड्रू मैकइंटायर के साथ। अब बैरन कॉर्बिन आते हैं बाहर और वो कहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर ने पिछले हफ्तों में जो कुछ भी करा है उसको हम सेलिब्रेट करने वाले हैं और ये होने वाली है ड्रू मैकइंटायर की एक अप्रिसिएशन नाइट। तो वो ड्रू मैकइंटायर को बाहर बुलाते हैं और उनको एक पेंडेंट टाइप कुछ गिफ्ट करते हैं और वहां से ड्रू मैकइंटायर एक प्रोमो कट करते हैं जिसमें वो बात करते हैं किस तरीके से उन्होंने अकेले ही सब कुछ हासिल कर लिया मंडे नाइट रॉ में। उसके बाद डॉल्फ ज़िगलर बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मेरा एक बार भी मेंशन नहीं करा है जबकि मैं भी काफी हद तक एक पार्ट हूं, जितना भी हमने अचीव करा है वो मिलकर साथ में करा है। तो ड्रू मैकइंटायर इस बात को बिल्कुल मना कर देते हैं और कोई क्रेडिट नहीं देते हैं डॉल्फ ज़िगलर को और उनकी उल्टा बेइज्जती ही कर देते हैं। डॉल्फ ज़िगलर को आ जाता है गुस्सा और अटैक कर देते हैं वो ड्रू मैकइंटायर पे। और इसके बाद हमें एक मैच देखने को मिलता है दोनों के बीच में जहां से फिन बैलर की इंटरफेरेंस की वजह से और डिस्ट्रैक्शन की वजह से डॉल्फ ज़िगलर इस मैच को जीत जाते हैं और यहां से डॉल्फ ज़िगलर जो है एक बेबी फेस बन चुके हैं। अब इसके बाद हमें एक छोटी सी सेगमेंट देखने को मिलती है जहां पे इलायस अटैक करते हैं बॉबी लैशली पर और इस बार फिर से फिन बैलर उनकी कर देते हैं मदद और लियो रश पर गिटार फोड़ देते हैं यहां पे इलायस। तो फिन बैलर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर हमें देखने को मिलने वाला है TLC में और लैशली अगेंस्ट इलायस हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहां पे फिन बैलर को वन ऑफ द टॉप बेबी फेस प्रमोट करा जा रहा है मंडे नाइट रॉ में। अब हीथ स्लेटर और राइनो के बीच में कुछ हो गई प्रॉब्लम और बैरन कॉर्बिन कहते हैं कि तुम दोनों में से किसी एक को ही मैं मंडे नाइट रॉ पे रख सकता हूं क्योंकि मुझे कुछ लोगों को फायर करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि या तो तुम दोनों में से कोई एक क्विट कर लो या फिर दोनों का एक मैच होगा। तो हमें एक मैच देखने को मिलता है जिसमें हीथ स्लेटर जीत जाते हैं और राइनो को कर दिया जाता है फायर। और फिर हीथ स्लेटर बैकस्टेज मिलते हैं बैरन कॉर्बिन के साथ और वो कहते हैं क्या तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हें एज अ सुपरस्टार रखने वाला हूं मंडे नाइट रॉ पे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम बनने वाले हो आज से मंडे नाइट रॉ पर एक रेफरी। अब फाइनली मैं बात करता हूं एक 3-on-2 हैंडीकैप
मैच की जो होने वाला था सिर्फ बॉबी रूड और ड्रेक मैवरिक के बीच में, उसको बना देते हैं बैरन कॉर्बिन एक 3-on-2 हैंडीकैप मैच, जब एओपी अटैक कर देती है चैड गेबल को बैक स्टेज। तो यहाँ पे फिर से बैरन कॉर्बिन अपनी पावर का अब्यूज करते हैं, और क्योंकि इस मैच में एक स्टिपुलेशन थी कि अगर बॉबी रूड इस मैच को जीतते हैं तो उनको एक टैग टीम चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और इसको एक 3-on-2 हैंडीकैप मैच बना दिया जाता है जिसमें चैड गेबल कंपीट ही नहीं कर पाते और बॉबी रूड इस मैच को हार जाते हैं, तो फिलहाल उनको कोई भी टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। तो गाइस ये थी मंडे नाइट रॉ की सारी अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।